मेरा नाम है सौरभ भट्ट, थर्ड मेट ऑफ अ फॉर्म गोइंग शेप एंड टैटू अप्रेंटिस एट कोयलबर्ग टैटू स्टूडियो चंडीगढ़। मैं हूं आपका सलाहकार हिंदी में, और स्वागत है रूल्स ऑफ द रोड हिंदी में। दर्शकों ने सवाल किए हैं, ये मैंने लिखे हुए हैं। आपने मुझसे पूछा क्या रूल वन विशेष है, यदि ये विशेष है तो इसमें से कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, रूल्स ऑफ द रोड में हर एक रूल विशेष है, हर एक रूल से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इस रूल से क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न, ये जो रूल्स ऑफ द रोड है ये सिर्फ हाई सीज पे ही है, सिर्फ हाई सीज पे ही लागू करते हैं, बाकी जो कनेक्टिंग वाटर्स हैं वहां पे लागू होते हैं या नहीं। रूल्स ऑफ द रोड हर जगह लागू करते हैं, हर उस जगह जहां पे सी गोइंग वेसल्स मैनूवर कर सकते हैं, चल सकते हैं, ऐसी जगह ऐसे वाटर्स पे भी रूल्स ऑफ द रोड लागू करते हैं। अब सवेर आपसे पूछता है तो क्या भाषा में आप बोलेंगे, आप बोलेंगे दीज रूल्स विल अप्लाई इन हाई सीज एंड इन ऑल वाटर्स कनेक्टेड देयर विथ नेविगेबल बाय सी गोइंग वेसल्स। अर्थात हाई सीज पर भी लागू होता है, और जितने भी हाई सीज से कनेक्टेड वाटर्स हैं, ऐसे वाटर जहां पे सी गोइंग वेसल्स जा सकते हैं। दूसरा प्रश्न, क्या पोर्ट वाले अपने विशेष रूल बना सकते हैं जो आरओआर से कोलरेक्स से अलग हो, क्या ऐसी शक्ति पोर्ट वालों के पास है। जी बिल्कुल है, यदि आप रूल वन पार्ट बी पढ़ते हैं तो उसमें बोलते हैं कि भाई पोर्ट वालों, आप चाहते हैं कुछ स्पेशल रूल बनाना, कुछ विशेष रूल बनाना जो आरओआर से अलग हैं, तो आप बनाएं, लेकिन कोशिश करें कि ये जो भी रूल बना रहे हैं आप, ये आरओआर के निकटतम हो। क्या भाषा बोलेंगे आप सर्वेयर को, आप बोलेंगे यस but these special rules shall confirm as closely as possible to Coldrex, confirm as close as possible to Coldrex। अगर नया रूल बना रहे हैं पोर्ट वाले तो Coldrex के निकटतम हो, और जब ये बना देते हैं रूल उसके बाद पोर्ट वालों को सर्कुलेट भी करने पड़ेंगे, सर्कुलर निकालने पड़ेंगे, पब्लिश करने पड़ेंगे, ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि हाँ भाई ये वाले पोर्ट ने ये नया रूल, स्पेशल रूल अपने पोर्ट के लिए बनाया है। तीसरा प्रश्न, ऐसी क्या परिस्थितियां हो सकती है कि जब किसी देश की या किसी स्टेट की गवर्नमेंट एक स्पेशल रूल बनाए या एडिशनल रूल बनाए लाइट्स और विसल के लिए, ऐसी क्या क्या परिस्थिति हो सकती है कि जब कोई गवर्नमेंट लाइट और विसल वाले एक स्पेशल रूल बनाए वॉरशिप्स के लिए या कॉनवॉय के लिए। कॉनवॉय क्या होता है, जब वॉरशिप्स एकजुट होकर, बहुत सारे वॉरशिप्स, बहुत सारे मैन ऑफ वॉर एकजुट होकर एक एक टीम बनाकर, एक ग्रुप बनाकर चल रहे हैं, इसको कॉनवॉय कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जब हवाई जहाज मिलिट्री वाले बहुत सारे एकजुट होकर एक ग्रुप बनाकर चल रहे हों, उसे कॉनवॉय कहते हैं, मतलब ग्रुप को कॉनवॉय कहते हैं। तो प्रश्न ये है कि गवर्नमेंट इस कॉनवॉय के लिए या इस मैन ऑफ वॉर के लिए स्पेशल रूल बनाती है, लाइट्स और विसल के लिए स्पेशल रूल्स बनाती है कॉनवॉय और मैन ऑफ वॉर के लिए।
किन किन परिस्थितियों में ऐसा हो सकता है बताएं। एक ही कंडीशन है, द ओनली कंडीशन अंडर विच गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट कैन मेक स्पेशल रूल्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशनल सिग्नल और लाइट सिग्नल विसल सिग्नल इज दैट दोज एडिशनल स्टेशन और सिग्नल लाइट और विसल सिग्नल्स आर सच एज फार एज पॉसिबल दैट दे कैन नॉट बी मिस्टेकन फॉर एनी लाइट और सिग्नल ऑथराइज्ड एल्सवेयर इन कोडेक्स। अब ये समझना शायद मुश्किल भी हो और ये शायद आप बोल भी ना पाए सर्वेयर को, चिंता मत करें, आप सिर्फ मेरी बात समझ लें क्या ये कहना चाहता है। यदि आप ये समझ जाएं तो अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी में भी आप सर्वेयर को समझाएं, सर्वेयर समझ जाएगा। देखिए, बिल्कुल गवर्नमेंट बना सकती है एक लाइट्स और विसल के लिए स्पेशल रूल बना सकती है वॉरशिप के लिए और कॉन्वॉय के लिए। अब कब, किस परिस्थिति में बना सकती है? देखो, बना सकती है पर इस प्रकार से बनाएं कि जितने भी लाइट सिग्नल और विसल सिग्नल आरओआर में दिए गए हैं उससे कंफ्यूजन ना हो। मतलब जो सिग्नल पहले से ही निर्धारित किए हुए हैं लाइट और विसल के लिए वैसे सेम ना हो, उससे हटकर हो, उससे बिल्कुल अलग हो। जब ये लाइट्स और साउंड सिग्नल वॉरशिप दे तो ऐसा ना लगे कि ये कोई और सिग्नल दे रहा है। मतलब जो भी सिग्नल हो वो अलग हो बिल्कुल। आपके आरओआर में बहुत सारे लाइट सिग्नल्स हैं, बहुत सारे विसल साउंड सिग्नल्स हैं, इनके सामान्य ना हो, इनके जैसे ना हो, इनसे बिल्कुल अलग हो। अगर इनके जैसे हुए तो आपको मिस्टेक हो सकती है, आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि शायद ये वाला सिग्नल दे रहा है। इसलिए जब भी वॉरशिप स्पेशल सिग्नल दे तो इस प्रकार का सिग्नल दे, लाइट या विसल इस प्रकार का सिग्नल दे कि बाकी रूल्स से वो बिल्कुल अलग हो, ताकि कंफ्यूजन ना हो, मिस्टेक ना हो। ये आप टूटी फूटी अंग्रेजी में भी बोलें सर्वेयर समझ जाएगा। अब देखिए, इस प्रश्न में बोला था कि गवर्नमेंट स्पेशल साउंड सिग्नल लाइट सिग्नल बना सकती है वॉरशिप के लिए। अगला प्रश्न है, ठीक है, साउंड सिग्नल लाइट सिग्नल वॉरशिप के लिए बना सकती है गवर्नमेंट और कॉन्वॉय के लिए बना सकती है। अब इसके सिवा कोई और भी तरह का शिप है जिसके लिए गवर्नमेंट स्पेशल लाइट सिग्नल साउंड सिग्नल बना सकती, क्या कोई है और जहाज? जी हाँ, फिशिंग वेसल्स के लिए गवर्नमेंट स्पेशल साउंड सिग्नल स्पेशल लाइट सिग्नल बना सकती है। पर फिर वही बात, जो भी ये लाइट सिग्नल साउंड सिग्नल बनाए ये बिल्कुल हटके हो आरओआर से, आरओआर के अंदर जितने भी साउंड सिग्नल लाइट सिग्नल बताए हुए हैं उनसे बिल्कुल हटकर हो, ताकि जब आप ये लाइट देखें या साउंड सिग्नल सुने तो आपको कन्फ्यूजन ना हो, आपको मिस्टेक ना लगे। तो फिशिंग वेसल्स के लिए बना सकते हैं और फिशिंग वेसल की फ्लीट के लिए बना सकते हैं। फ्लीट क्या है? ग्रुप ऑफ वेसल्स को फ्लीट कहते हैं। तो फिशिंग वेसल्स की फ्लीट के लिए भी स्पेशल सिग्नल साउंड सिग्नल लाइट सिग्नल बन सकता है और फिशिंग वेसल्स के लिए भी स्पेशल साउंड सिग्नल लाइट सिग्नल बन सकता है। ठीक है, तो ये है एक मैन ऑफ वॉर वॉरशिप, इसके लिए स्पेशल साउंड सिग्नल लाइट सिग्नल बन सकता है। फिर वॉरशिप्स का जो ग्रुप है जिसे कहते हैं कॉन्वॉय के लिए स्पेशल साउंड सिग्नल लाइट सिग्नल गवर्नमेंट बना सकती है। फिर फिशिंग वेसल के लिए स्पेशल साउंड सिग्नल लाइट सिग्नल बना सकती है और फिशिंग वेसल का समूह ग्रुप जिसे कहते हैं फ्लीट ऑफ फिशिंग वेसल्स। तो ये चार चीज़ें हैं जिसके लिए गवर्नमेंट स्पेशल साउंड सिग्नल और लाइट सिग्नल बना सकती है। देखिए, ये कुछ प्रश्न हैं क्योंकि रूल वन से पूछे जाते हैं। इसके सिवा आप रूल वन पढ़ें, अंग्रेजी यदि आपकी ठीक हो तो ये खुद ही समझ आ जाते हैं इसमें क्या बोल रहा है। खासतौर पर बस ये बोल रहा है कि भाई जो भी रूल की पहली बात तो ये हर जगह अप्लाई होते हैं रूल, हाई सीज में भी, कनेक्टिंग वाटर्स में भी, ठीक है। दूसरी बात ये बोलते हैं भाई जब भी आप रूल बनाएं
तो इस नया रूल जब भी कोई राज्य कोई गवर्नमेंट नया रूल बनाए तो ये रूल आरओआर के निकटतम हो। फिर एक बात बोलती है कि अगर लाइट सिग्नल साउंड सिग्नल नया बनाए स्पेशल बनाए कोई गवर्नमेंट, तो वो साउंड सिग्नल और लाइट सिग्नल जो पहले से सिग्नल्स हैं उनसे बिल्कुल अलग हो ताकि कंफ्यूजन ना हो जाए। इसके सिवा कोई प्रश्न हो या रूल वन में और गहराई में जाना हो, सरलार्थ करना हो, आप मुझसे पूछें, या कमेंट्स में आप मुझसे पूछें, या इंस्टाग्राम फेसबुक पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। सॉल्व आउट।